मुंगेर जिले के ईस्ट कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में अवैध संबंध को लेकर अपने पति की धारदार हथियार से हत्या करने वाली पत्नी और उसके आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। एसपी ने कहा, इस मामले को पुलिस लेगी गंभीरता से, साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत कर आरोपी को जल्द जल्द दिलवाई जाएगी सजा। दरअसल मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के रेल क्वार्टर निवासी जितेंद्र कुमार की हत्या धारदार हथियार से उसकी पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर कर दी, जिसके के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जितेंद्र कुमार की शादी वर्ष 2012 में लखीसराय जिले के अभयपुर निवासी ममता देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ममता का चाल चलन जितेंद्र को पसंद नहीं था, जिसका वो अक्सर विरोध करता था। इसी बीच ममता की आंखें चार जितेंद्र के फूफेरे भाई अजीत कुमार से भी हो गई। फिर क्या था, दोनों अपने पति जितेंद्र से छुप छुप कर मिलने लगे और देर रात तक एक दूसरे से बातें होने लगे। वही बताते चले कि जितेंद्र का फुफेरे भाई अजीत भी शादीशुदा है और साथ ही एक बच्चे का पिता भी है और दिल्ली में काम करता है। इन दिनों के बीच कुएं में भी कई बार विवाद हो चुका है, जिसका परिणाम ये हुआ कि कल देर रात अजीत दिल्ली से घर लौटा और सुबह जितेंद्र के घर जा पहुंचा, जिसको लेकर फिर जितेंद्र और अजीत के बीच विवाद हुआ। इसी विवाद का फायदा उठाते हुए उसकी पत्नी ममता और अपने आशिक के संग मिलकर जितेंद्र के सर पर धारदार हथियार से हमला कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में मुंगेर एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने बताया कि हत्या की सूचना ईस्ट कॉलोनी थाना को मिली तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने सुकरुक्ति बयान में बताया कि अवैध संबंध में उसकी पत्नी के साथ मिलकर हत्या की है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एसपी ने कहा कि इस मामले को पुलिस गंभीरता से ले रही है, साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत कर आरोपी को जल्द जल्द सजा दिलवाई जाएगी। वहीं दोनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है। तो जब ईस्ट कॉलोनी थाना को सूचना मिला, तुरंत थानाध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आदमी को गिरफ्तारी किया। उसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि इलीगल रिलेशनशिप में उनके पति के साथ पत्नी के साथ मिलकर हत्या किया, तो दोनों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और बाकी कल जो पोस्टमार्टम कराना, बाकी जो अन्य प्रक्रिया, तो कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें आज किसी की संलिप्तता है, ऐसा कुछ सामने आया क्या? तो अभी तक ये दो नाम आया है और पूछताछ किया जा रहा है परिजन से भी। अगर कुछ अन्य नाम आता है तो हम अनुसंधान में उसको देखा जाएगा।